गुड मॉर्निंग भैया बहनों, आज हम सीखेंगे कि छोटी संख्या बड़ी संख्या की गुणनखंड है या नहीं है। इज फर्स्ट नंबर, फर्स्ट मैंने पहला, क्या पहला अंक द फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर, फैक्टर मीन्स गुणनखंड है सेकेंड नंबर का, दूसरे अंक का, क्या पहला अंक दूसरे अंक का गुणनखंड है। हमें सिर्फ इतना ही बताना है, हाँ या ना। अब जिनके हमें इसमें देखेंगे, कुछ जो नंबर हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो छोटा नंबर है 9, इसकी हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है। 17 ये प्राइम नंबर है। 8 इसका डिविजिबिलिटी आता है लेकिन कठिन है। 23 प्राइम नंबर है। 21 29 प्राइम नंबर है। इसलिए यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि हमें प्रत्येक का भाग देकर ही पता करना होगा। यदि पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 9 की हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है, जिन संख्याओं का योग 9 या 9 के पहाड़ी में आता है, जिस प्रकार से 3 का है उसी प्रकार से 9 का भी है। जिन संख्याओं का योग 9 या 9 के पहाड़ी में आता है, वे संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं। 85 इसको जब ऐड करेंगे, 5 + 8 = 13, 9 की टेबल में नहीं आता। सो 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 85, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 85, क्रॉस कर दिया, कुछ भी नहीं है। 17 से इसको डिवीजन ही करना पड़ेगा। 17 6 = 102, 12 बैलेंस बचा 128, 17 8 ज्यादा हो रहा है, मीन्स ये भी इसका फैक्टर नहीं है। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 = 8, 6 बैलेंस बचा 64, 18 8 = 144, सो इट इज द फैक्टर ऑफ 144। ध्यान देंगे 8 144 का फैक्टर है। फिर आगे देखेंगे 23 और 4157, इन दोनों में देखना है कि क्या ये 23 जो है इसका फैक्टर है नहीं है। तो यहाँ पर हम डिवीजन करेंगे, 23 1 जा, हमें भाग ही करना पड़ेगा। मैं मौखिक कर रहा हूँ लेकिन आप लोगों को भाग ही करना पड़ेगा। 23 21 23 23 2 46 ज्यादा हो रहा है, 23 1 23, फिर यहाँ बचा 23 और 18 बचा, 185 हो गया। 23 5 115, 23 6 138, 23 7 161, 23 8 184, 1 बचा 17 17 हो गया। मीन्स 23 का डिवीजन इसमें नहीं हो रहा है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। 23 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 4157। इसी प्रकार से 21 का करेंगे, 21 का टेबल 12 में नहीं जाता, 128 में लेंगे। 21 5 = 105, 21 6 = 126, और ये 128 है, 2 बैलेंस बचेगा, 29 हो जाएगा। इसका मतलब 21 से भी 1289 डिविजिबल नहीं है। सो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, 21 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 1289। इसी प्रकार से 29 की टेबल भी हम भाग देंगे। मैं मौखिक भाग दे रहा हूँ लेकिन आप लोग भाग देकर देखेंगे। 29 1 = 29, 29 2 = 58, 29 3 = 87 ज्यादा हो रहा है। 29 2 = 58, 2 भागफल में आया और 20 यहाँ बचा और ये हो गया 203। 29 5 = 145, 29 6 = 176, 29 6 = 174, 29 7 103, ठीक है। दैट मीन्स ये इसका क्या है, फैक्टर है। 29 इज द फैक्टर ऑफ 783, ये 83 है, 783। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 56। मैंने कल बताया था आपको किसी भी संख्या का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फैक्टर बहुत आसान है।
स्मॉलेस्ट सिर्फ वन होता है, वन प्रत्येक नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टर है, और 56 जो है वो अपने आप में ही प्राइम फैक्टर है, मींस स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों दिखेंगे। स्मॉलेस्ट एस एम ए एल एल ई एस टी, स्मॉलेस्ट फैक्टर एफ ए सी टी ओ आर फैक्टर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट कौन होगा वन, और ग्रेटेस्ट वह स्वयं जी आर ई ए टी ई एस टी ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन होगा वह स्वयं, वह स्वयं का मतलब 56। इसी प्रकार से आज आपने होमवर्क में 56 की जगह 42 का करना है, 56 की जगह किसका करना है 42 का करना है, समझ में आ गई होगी। आज आपने 42 के बनाने हैं इसी प्रकार से, और राइट ऑल फैक्टर ऑफ अ ऑफ 42 विच आर लेस देन 10, 42 के वे सारे फैक्टर बताने हैं जो 10 से छोटे हैं। अर्थात सबसे पहले 42 लिखेंगे, 42 लिख दिया हमने, 42 का सबसे छोटा फैक्टर कौन है 1, 1 से 42 में जाता है, लास्ट डिजिट देखा 2, 2 से भी जाता है, नंबर्स का जोड़ किया 4+2=6, नंबर का जोड़ किया 6, 3 की टेबल मारा है, 3 इसका एक फैक्टर है, 4 देखेंगे 4×10=42 बैलेंस बच रहा है, 4 की टेबल नहीं जा रही, 4 इसका फैक्टर नहीं है, लास्ट में 0 नहीं है, 5 नहीं है, 5 भी इसका फैक्टर नहीं है, 6 की टेबल पढ़ लेंगे, 6×7 होता है, तो इसका मतलब 2 और 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, इसलिए यह 6 से भी, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वो 6 से भी विभाजित होती है। नेक्स्ट 6×7 जा कहा तो 7×7 आ गया, ये पलट के आ गया, कल बताया था मैंने आपको, पलट के आ गया 6×7 जा, तो कितना 3×42, कितना 3×42, हाउ मेनी 3×42, 14×3×42, हाउ मेनी 2×42, 21×2×42, हाउ मेनी 1×42, 42×1×42, ये इसके फैक्टर हो गए सारे। ये क्या, ये कौन से फैक्टर हो गए सारे। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि 10 से छोटे ये तीन जो है इसमें छूट जाएंगे, 10 से छोटे कहा तो therefore 42=1, 2, 3, 6 and 7 is less than 10 is the factor of 42 less than 10 is the factor, sorry इधर पर और लिख लेंगे, is the factor, is the factor f a c t o r is the factor of 42 less than 10। और आज होमवर्क में मैच करने वाला है, क्या ये इसका फैक्टर है नहीं है, तो होमवर्क में मैच करने वाले को भी करेंगे, दैट्स ऑल।